Welcome to Pinacia Tutor. In this video, we will be talking about various rankings, global as well as national, along with India's position in various rankings like QS rankings, Chandler Good Governance Index, Democracy Report, World Air Quality Index, World Happiness Report, World Press Freedom Report, Democracy Report, Largest Military Spender Country, Climate Change Performance Index, Global Innovation Index, and many more. So first of all, we will start with the meaning of index. Index hai kya? Index basically koi bhi statistical measure ya fir indicator hai kisi bhi country ki performance ko measure karne ke liye on various indicators ranging from social, economic and political. अब वेरी फर्स्ट रैंकिंग जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022. QS क्या है? QS इज Quaquarelis Simmons. QS रैंकिंग में बेसिकली 1300 यूनिवर्सिटीज ने पार्ट लिया था और टॉप पोजीशंस में है. फर्स्ट इज मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सेकेंड इज यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड एंड थर्ड इज स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी. सो अगर हम बात करें QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स सब्जेक्ट वाइज की तो IIT बॉम्बे का रैंक है 65 एंड IIT दिल्ली का रैंक है 72. These are the only two Indian institutions that have gained rank in engineering and technology. अगर हम बात करें QS Asia University Rankings 2022 की तो फर्स्ट पोजीशन इंडिया में है वो है IIT बॉम्बे की एंड अगर हम बात करें एशिया में तो उसका रैंक है 42nd. नेक्स्ट रैंकिंग्स है हमारे पास चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2022. तो चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है वो रिलीज किया था चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस ने. ये एक प्राइवेट NPO है हेडक्वार्टर्ड इन सिंगापुर. और इसकी टॉप पोजीशंस की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन इज ग्रैब्ड बाय फिनलैंड एंड सेकंड पोजीशन बाय स्विट्जरलैंड एंड थर्ड पोजीशन बाय सिंगापुर. और अगर इंडिया के रैंक की बात करें तो इंडिया का रैंक है 52nd आउट ऑफ 104 कंट्रीज. नेक्स्ट रैंकिंग्स की बात करें तो हमारे पास है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022. ये जो है हमारे पास वो क्वार्टरली रैंकिंग्स हैं जो कि अलग अलग कंट्रीज के पासपोर्ट को डिफरेंट डिफरेंट रैंक्स देती है और इसको रिलीज करते हैं हेनले एंड पार्टनर्स और इसको टॉप किया है जापान ने फॉलोड बाय सिंगापुर. और अगर हम इंडिया के पासपोर्ट की बात करें तो इंडिया का रैंक है 85th आउट ऑफ 199 डिफरेंट कंट्रीज. नेक्स्ट हमारे पास है डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022. इसको रिलीज करते हैं वीडम इंस्टीट्यूट. वीडम क्या है? वराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट. और अगर इसकी हम टॉप पोजीशंस की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन है स्वीडन की, देन इज डेनमार्क एंड थर्ड पोजीशन है हमारे पास नॉर्वे की. अब हम अगर बात करें इंडिया के रैंक की तो इंडिया का रैंक है 93rd आउट ऑफ 179 कंट्रीज अंडर लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स. और अगर हम वीडम रिपोर्ट की बात करें तो इसको हम क्लासिफाई करते हैं 4 टाइप्स के अंदर. तो सबसे पहला है लिबरल डेमोक्रेसी, देन है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, फिर है इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी एंड लास्ट वन इज क्लोज्ड ऑटोक्रेसी. अगर हम वीडम रिपोर्ट की बात करें तो उसने इंडिया को क्लासिफाई किया है एज इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी रादर देन डेमोक्रेसी. नेक्स्ट हम बात करें तो ये है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022. ये जो है वो रिलीज करता है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स. ये इंडेक्स जो है वो इवैल्यूएट करता है कोई भी इकोनॉमी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को अक्रॉस 50 यूनिक इंडिकेटर्स ऑफ प्रोटेक्शन एंड अक्रॉस वेरियस 9 कैटेगरीज. कैटेगरीज की बात करें तो हमारे पास आ जाएंगे पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, ट्रेड सीक्रेट्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स, डिजाइन एंड मेनी मोर. और ये जो है अगर हम बात करें 55 कंट्रीज में से जो टॉप 3 कंट्रीज हैं वो है USA, देन UK एंड जर्मनी रिस्पेक्टिवली. और अगर हम बात करें इंडिया का रैंक तो इंडिया का रैंक जो है वो 43rd है इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स. नेक्स्ट रिपोर्ट हमारे पास है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022. वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो 10th एनिवर्सरी थी इस ईयर, यानी कि ये जो रिपोर्ट है वो 2012 से पब्लिश होती आ रही है और 2022 में इसकी 10th एनिवर्सरी थी. ये रिलीज करते हैं यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क. अगर हम बात करें टॉप 3 पोजीशंस की तो फिनलैंड ग्रैब्स द टॉप पोजीशन अमंग द वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री फॉर 5th टाइम इन अ रो, व्हाइल डेनमार्क इज द सेकेंड हैप्पीएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड थर्ड इज आइसलैंड.
अगर हम बात करें इंडिया के रैंक की, तो इंडिया का रैंक है 136th आउट ऑफ 146 कंट्रीज। मतलब इंडिया जो है वो ज़्यादा हैप्पीस्ट कंट्री नहीं है, क्योंकि अगर जितनी कंट्रीज़ का यानी कि 146 कंट्रीज़ का सर्वे किया गया था, तो उसमें से सिर्फ इंडिया का रैंक है 136th। मतलब लास्ट 10 कंट्रीज़ को छोड़ के जो इंडिया है इसकी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पे आता है। नेक्स्ट है अफगानिस्तान। अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, तो ये वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा अनहैप्पीएस्ट नेशन है। नेक्स्ट, इसको वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो हम निकालते हैं वो कई सारे फैक्टर्स पे बेस्ड है, सच एज रियल GDP पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड मेनी मोर। नेक्स्ट रिपोर्ट है हमारे पास वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स क्या है? ये बेसिकली जो है वो स्टेट ऑफ जर्नलिज्म असेस करती है अक्रॉस 180 कंट्रीज, और इसको रिलीज करते हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी कि RSF। RSF स्टैंड्स फॉर रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स। और टॉप पोजीशंस की बात करें तो फर्स्ट पे है नॉर्वे, देन डेनमार्क एंड थर्ड पोजिशन इज ऑफ स्वीडन। और इंडिया के रैंक की बात करें तो इंडिया का रैंक जो है वो 150th है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो कई सारे इंडिकेटर्स, मेनली 5 इंडिकेटर्स पे अपनी रिपोर्ट निकालती है, और वो 5 इंडिकेटर्स हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, सोशो कल्चरल इंडिकेटर्स, लीगल फ्रेमवर्क, सेफ्टी एंड 5th वन इज पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में सबसे बिलो रैंक जो है वो है नॉर्थ कोरिया का, और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है वो 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट रैंकिंग्स है हमारे पास ग्लोबल GDP रैंकिंग्स 2022। ये रिलीज करता है वर्ल्ड बैंक, और इंडिया का रैंक जो है, इंडियन इकोनॉमी का रैंक जो है वो है 6th। और टॉप इकोनॉमीज हैं, फर्स्ट वन इज US, सेकेंड इज चाइना एंड थर्ड इज जापान। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स क्या है? ये एक डिटेल्ड स्टडी है फॉर एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म इन 163 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, और इसको रिलीज किया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के थ्रू यानी कि IEP के थ्रू। और अगर हम देखें जो मोस्ट इम्पैक्टेड कंट्रीज हैं इस टेररिज्म इंडेक्स के अंदर, वो है अफगानिस्तान एंड फॉलोड बाय इराक एंड सोमेलिया। और अगर इंडिया का रैंक देखें तो इंडिया का रैंक टेररिज्म के केस में बहुत ज़्यादा आगे है, यानी कि 12th पोजीशन है आउट ऑफ 163 कंट्रीज। मींस जो इंडिया में टेररिज्म है वो बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट रैंकिंग्स है हमारे पास लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर कंट्री 2022। मतलब मिलिट्री पे सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री जो है स्पेंड करती है, वो हमें इस रैंकिंग्स में, इस इंडेक्स में देखने को मिलेगा। और वो है सबसे पहले USA, देन चाइना एंड देन इज इंडिया। और ये रैंकिंग्स जो है वो रिलीज करते हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री। अगर शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो इट इज सिप्री। नेक्स्ट हमारे पास जो इंडेक्स है वो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022। ये रिलीज होता है जर्मन वॉच के थ्रू, और जो फर्स्ट 3 ओवरऑल पोजिशंस है वो एम्प्टी है बिकॉज नो कंट्री इज वेल इनफ। जो फर्स्ट 3 कंट्रीज की ओवरऑल पोजिशन है वो एम्प्टी है बिकॉज नो कंट्री परफॉर्म्स वेल इनफ टू अचीव एन ओवरऑल वेरी हाई रेटिंग। और फोर्थ पोजिशन की बात करें तो डेनमार्क की है, 5th पे है स्वीडन एंड 6th पे है नॉर्वे। और इंडिया का रैंक देखें तो वो है 10th पोजिशन पे। नेक्स्ट इंडेक्स हमारे पास है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022। ये रिलीज करते हैं ग्लोबल फायर पावर पोटेंशियल मिलिट्री स्ट्रेंथ यानी कि GFP। और इंडिया का रैंक जो है वो 4th है दोनों ही ईयर्स में। अगर हम बात करें 2021 की और अगर हम बात करें 2022 की, तो इंडिया जो है वो सेम पोजिशन पे है यानी कि 4th पोजिशन पे। इफ वी सी टॉप पोजिशंस, देन USA इज द फर्स्ट, रशिया इज द सेकेंड एंड चाइना इज द थर्ड। नेक्स्ट रिपोर्ट हमारे पास है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 की। ये रिलीज करती है स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQAir। और जो लाहौर है पाकिस्तान के अंदर, वो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और अगर हम बात करें इंडियन स्टेट्स की, तो दिल्ली है इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी, फॉलोड बाय मुंबई एंड कोलकाता। नेक्स्ट अदर इंडेक्स जो हमारे पास है वो है मोस्ट पावरफुल वुमेन इंडेक्स 2021। तो ये रिलीज किया था फॉर्ब्स ने, और इसमें जो निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका रैंक है 37th। और अगर हम टॉप पोजीशंस की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पे है मैकिंजी स्कॉट एंड सेकंड पोजीशन पे है कमला हैरिस। और अगर हम बात करें थर्ड पोजीशन की, तो थर्ड पोजीशन पे है क्रिश्चियन लगार्डी। अनदर इंडेक्स हमारे पास है वो है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021।
ये जो पब्लिश किया जाता है वो एनुअली पब्लिश किया जाता है बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, और ये जो इंडेक्स है वो 1995 से जो है वो चला आ रहा है, और इसमें इंडिया का रैंक है 85th, और अगर हम लीस्ट करप्टेड कंट्री की बात करें तो वो है डेनमार्क, फॉलोड बाय फिनलैंड एंड न्यूजीलैंड। अब हम बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF की इन 2021। ये रिलीज करती है एजुकेशनल मिनिस्ट्री, और अगर हम ओवरऑल टॉप पोजीशन की बात करें तो वो है IIT मद्रास। अगर हम कैटेगरी वाइज रैंकिंग की बात करें, फर्स्ट रैंक कैटेगरी वाइज देखें तो इंजीनियरिंग के केस में है IIT मद्रास, मैनेजमेंट के केस में है IIM मैनेजमेंट, और मेडिकल के केस में है एम्स न्यू दिल्ली। नेक्स्ट अगर हम देखें कॉलेज तो बेस्ट कॉलेज है मिरांडा हाउस दिल्ली। आर्किटेक्चर के केस में बात करें तो वो है IIT रुड़की, एंड रिसर्च के केस में बात करें तो वो है IAS बेंगलुरु। अगर हम लॉ की बात करें तो लॉ में है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। अब नेक्स्ट इंडेक्स जो हमारे पास है वो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021, यानी कि हर कंट्री में कितनी इनोवेशन है, कितनी क्रिएटिविटी है। ये रिलीज करते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विपो, और इसमें टॉप पोजीशन है स्विट्जरलैंड की, और इंडिया के रैंक की बात करें तो इंडिया का रैंक है 46th आउट ऑफ 132 कंट्रीज। नेक्स्ट इंडेक्स है हमारे पास WEF ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021। ये रिलीज करते हैं जिनीवा बेस्ड फोरम यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और इसमें इंडिया के रैंक की बात करें तो इंडिया का रैंक है 87th, और टॉप पोजिशन है फर्स्ट पे है स्वीडन, सेकेंड पे है नॉर्वे, एंड थर्ड पोजिशन पे है डेनमार्क। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी डिटर्मिंड एंड स्टे पॉजिटिव। सब्सक्राइब इनिशा ट्यूटर फॉर मोर अपडेट्स एंड वीडियोज़।